सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के ठहराव से जीटी रोड पर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। 10 किलोमीटर तक जाम में फंसे हुए हैं वाहन। जाम में फंसे ट्रक, फल, सब्जियां खराब होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। पैदल ही निकल रहे हैं यात्री, बच्चे, महिलाएं और जाम में फंसे सभी लोग। किसान टस से मस नहीं, लगातार चल रही है दिल्ली अधिकारियों से बातचीत, नहीं निकल रहा कोई नतीजा। नेशनल हाईवे 44 पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। दिल्ली की तरफ आने जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रहे वाहनों को जीटी रोड चौकी पुलिस ने जाम से बचने के लिए शहर के बीच से निकाला है। इसी बीच दिल्ली से पानीपत की ओर आ रहे कंटेनर चालक पर गुलाब नाम के होमगार्ड ने चालक पर बेरहमी से डंडों की बौछार कर दी। चालक अपनी गलती पूछता रहा, लेकिन होमगार्ड गाली गलौच कर डंडे मारता रहा। सिलसिला यहीं नहीं रुका। गाड़ी को थोड़ा आगे खड़ा कर जबरन चालक को पुलिस चौकी के अंदर ले जाया गया। सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।